बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ग्रेट पीपल। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और अपनी अपनी हिफाजत कर रहे होंगे और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आजकल हर तरफ वायरस की वबा फैली हुई है, तो उस सिलसिले में हम एक तो अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं और वही सारा ठीक करने वाले इंसान के पास में कुछ नहीं है, और दूसरा जो हम लोग कर सकते हैं वो है चंद एहतियाती तदाबीर हैं घर पर जो है हम खुद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने देखा होगा, जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि अपने हाथों को आप बार बार से धोएं, बच्चों के हाथ बार बार धोएं, अपने घरों को क्लीन रखें, जितना हो सकता है आप अपने घरों को इन्फेक्शन से क्लीन रखें। तो उस सिलसिले में जो ज़्यादातर कहा जाता है कि हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। अब हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो हर एक बंदे के पास की बात नहीं है कि वो बाज़ार से उसको ख़रीदे और लाए, क्योंकि जो हमारा मिडिल तबका है या अपर तबका है वो तो आराम से ख़रीद सकता है। जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं या लोअर तबका है, उनके पास की बात नहीं है कि वो 600-700 की ये बोतलें ख़रीदें और वो ला के घरों में इस्तेमाल करें। और अक्सर यूट्यूब पे भी ऐसे नुस्खे बताए गए हैं, उसमें आप रबिंग अल्कोहल यूज़ करते हैं, और रबिंग अल्कोहल और जो इस तरह से आप बाज़ार से भी ख़रीदते हैं इसको, तो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है, जो कि हर एक के बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मिलना भी मुश्किल है। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो मार्केट से ही गायब हो जाती है। तो मैं आपको आज वो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि 100% ऑथेंटिक है, और ये मेरा अपना क्रिएट करता नहीं है। ये एक हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत वेल नाउन और कहीं उसको के प्रैक्टिस और अच्छे तजर्बाकार डॉक्टर हैं, जिनसे मुझे ये रेसिपी पता चली है इसका तरीका बनाने का, जो मैंने उनसे पूछा, जो उन्होंने बताया और जो वो ख़ुद पर्सनली यूज़ कर रहे थे। एक डॉक्टर होते हुए वो पर्सनली ये चीज़ खुद यूज़ कर रहे थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे बताया। तो ये चीज़ आपके सामने आज मैं लेके आई हूँ, और ये ऐसा तरीका है जो कि हर कोई अपने घर में बहुत इजीली बना सकता है, चाहे वो दिहाड़ीदार बंदा है, कोई मतवसत तबका है, कोई मतलब कोई भी इंसान इसको इजीली, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं या कुछ भी हैं, आप इजीली अपने लिए, अपनी हिफाजत के लिए इसको बना सकते हैं, और ये 100% ऑथेंटिक है। तो इसको एक सूरत में अगर कहा जाए तो इसको गरीब का सैनिटाइज़र भी आप कह सकते हैं, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको जो भी बनाए इसको बना के यूज़ करें, और ये 100% आपको इन्फेक्शन से पाक रखेगा। और बहुत इजी चीज़ें हैं जो कि हर घर में हर वक्त, तकरीबन हर वक्त हर घर में मौजूद होती हैं। तो चलिए मैं आप शुरू करते हैं, अपने सैनिटाइज़र की तरफ आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो आपने लेना है पानी, लेना है पानी आपने पहले से बॉयल कर लेना है, बॉयल किया हुआ पानी आपने लेना है। इसके साथ हमें चाहिए होगा नमक चाहिए होगा, ये तकरीबन एक टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। इसके साथ हमें चाहिए होगा वो सिरका, जो हमारे घरों में आम सिरका मौजूद होता है, जो सिंथेटिक सिरका होता है, जो हमारे घर में वाइट विनीगर होता है, वो हमें चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उसके साथ हम ये मैंने स्प्रे बॉटल लिया है। अब इसको ये है कि आपके पास बड़ी है, आप लीटर बोतल में भी तैयार कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा मतलब जितना तैयार करना चाहिए आपकी अपनी मर्जी है। रेशो मैं आपको बता दूंगी, आप उसके मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ये एक कीफ ले लिया, छोटी सी आपके पास है तो वो रख ले, नहीं तो आप घरों में जो पौनी यूज़ करते हैं चाय डालने के लिए, जो स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, उसका पीछे से आप उतारें और इसको आराम से इसके पीछे रख लें। अब हमने करना क्या है, हमने पानी लेना, मैंने बॉटल पर पहले ही से निशान लगा लिया, आधा आपका जाएगा पानी, ये हम पानी इसमें डाल देते हैं। ये तकरीबन आधी बोतल जो है मैंने पानी से भर लिया, और ये उबला हुआ पानी है। बोतल को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है, जो भी आपने बोतल लेनी है आपने उसको पहले अच्छी तरह से उसको वॉश कर लेना, उसको बॉईल कर लें, बॉईल पानी में डाल लें, किसी तरह से भी आपने उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, कोई उसमें जरासीम ताकि ना रहे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो सिरका है, जो मैंने वाइट सिरका आपको विनेगर बताया था, जो बाजार से ईजिली मिल जाता है और हर घर में मौजूद होता है, अब हमने क्या करना है कि हाफ मिकदार हमने सिरके की डालनी है। ये तकरीबन हाफ हो गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको नमक बताया था, नमक हम डालेंगे इसमें, ये एक टीस्पून भर के हमने नमक का डाल देना, ये मैंने पहले से इसको वो करके रखा हुआ था, ये मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब हमने जो इसका ढक्कन को बंद करके
हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि हमने जो इसमें नमक सिरका और पानी ऐड किया है इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है और आप घर पे इजीली बना सकते हैं, आपको बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हर बंदा इसको इजीली बना सकता है। और ये ऑथेंटिक रेमेडी है, रेसिपी है, रेमेडी जो भी आप कह लें, जो कि एक डॉक्टर से मुझे मिली है प्रैक्टिशन, और इनका क्रेडिट जो है डॉक्टर शम्स रहमान जो हैं उनको जाता है, ये उन्हीं की रेसिपी है। अल्लाह ताला उनको भी जदाए खैर दे और हमें और उन्हें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि हमारा नमक और बाकी जो मिक्सर है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको इस तरह से अपने हाथों पे इस तरह से आपने स्प्रे करना है और अच्छी तरह से इस तरह से आपने अच्छी तरह से अपने हाथों पे इसको रब कर लेना है। आपके हाथ जो हैं जरासीम से पाक हो जाएंगे। हर किस्म का जो आपके जरासीम है, वायरस है, वो कोई भी इंशाल्लाह हाथ पे नहीं रहेगा और बिल्कुल आप इन्फेक्शन से और जरासीमों से महफूज रहेंगे। तो इसके साथ ही आप को ये अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और इसको वीडियो समझ के नहीं, इसको सदका जारिया समझ के आप आगे शेयर कीजिएगा। शायद आपकी वजह से कोई इस वायरस से या कोई इस बीमारी से बच सके। कि आपको बिल्कुल ये हमारी वीडियो समझ के नहीं, आप अपनी वीडियो समझ के इसको सदका जारिया समझ के लोगों तक पहुंचाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो बाज़ार से नहीं ख़रीद सकते सैनिटाइज़र महंगे महंगे, वो घर पे इजीली इसको बना के और अपने अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को इन तमाम वबाई अमराज से महफूज रख सकें। आखिर में अपनी दुआ में याद रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और हमारी कौम को, हमारे पूरे कहें तो पूरी दुनिया को इस ख़तरनाक वबाई मर्ज से बचा के रखें और अपने मान में रखें और इसे जल्द से जल्द हमें इन सब से हम एक आसानी से निकल जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।